चार नवंबर से वृषभ राशि के जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, चार नवंबर से जैसे ही कर्म के स्वामी शनि मार्गी हो जाते हैं यानी जाग जाते हैं, वैसे ही आपके ग्रह बलवान हो जाएंगे और आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा, वृषभ राशि के जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों और कैसे, ये इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। जय माता दी, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं 4 नवंबर में शनि जो मार्गी होंगे, यानी शनि को कर्म का स्वामी कहा जाता है। और जो भी आप कर्म करते हैं, विद्या करते हैं या गृहिणियाँ भोजन बनाती हैं, कलाकार कला करते हैं, जो भी आप मनुष्य कर्म करता है, जो भी जीव कर्म करता, उसके स्वामी शनि हैं। और शनि अभी तक वक्री चल रहे थे यानी सो रहे थे, अब मार्गी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। उसका क्या कारण है ये मैं आपको बता दूं तो उसके लिए आपको यानी वृषभ राशि को थोड़ा भूतकाल को याद करना होगा। भूतकाल यानी, चलिए हम चलते हैं साल 2022 में, यानी 17 मार्च 2022 में जैसे ही राहु ने मेष राशि में ट्रांजिट किया, यानी राहु 17 मार्च 2022 में मेष राशि में आए। और साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति भी अप्रैल 2022 के अंदर मेष राशि में गए और दोनों का गुरु चंडाल योग बना, यानी कि आपकी राशि से वो व्यय भाव में बना। व्यय भाव मित्रों खर्चे का होता है, विदेश संबंधी होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर जो गुरु चंडाल योग वृषभ राशि का बना उनके लिए बहुत लाभकारी नहीं था। एक तो आपका सेविंग खत्म हो गई, धन आपका बर्बाद हुआ या धन संबंधी आपको कोई ना कोई हानि हुई। साथ ही साथ देखा जाए तो वृषभ राशि की जो उन्होंने धन FD में रख रखा था, जो डिपॉजिट कर रखा था, वो सारी सेविंग उन्होंने किसी प्लानिंग किसी योजना में लगा दी, उससे भी इनको बड़ा नुकसान हुआ। साथ ही साथ देखा जाए तो व्यय भाव में जो ये गुरु चंडाल योग बन रहा था तो इसने देखा जाए तो खूब अस्पताल या कचहरी के या सरकारी दफ्तर के चक्कर वृषभ राशि के लगवाए। साथ ही साथ गुरु और राहु जब भी साथ में बैठते हैं, गुरु शांति का भी प्रतीक होता है, तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि को खूब तनाव रहा। कुछ वृषभ राशि वाले डिप्रेशन में चले गए, तनाव के अंदर चले गए, उनको BP की, शुगर की, थायराइड की गोलियां तक भी खानी पड़ी। लेकिन अब यानी कि अब 30 अक्टूबर 2023 में गुरु चंडाल योग अब खत्म हो चुका है। और गुरु चंडाल योग तो खत्म हो गया है लेकिन 4 नवंबर से जैसे ही कर्म के स्वामी शनि मार्गी होंगे तो आपके दशम स्थान के अंदर वो एक्टिव होंगे। दशम स्थान व्यापार का होता है, नौकरी का होता है, जो भी जीव कर्म करता है उसी स्थान में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ में बैठे हैं। यानी जीवन में अब 4 नवंबर से बड़ा बदलाव आ रहा है। पहला बदलाव या बड़े संकेत क्या मिलने वाले हैं, पहला तो करियर में अब वृषभ राशि को बड़ा मुकाम मिलेगा, या जिसके वो हकदार थे, जो पोजीशन आपको नहीं मिल रही थी, जो मैनेजमेंट सीनियर आपको नहीं दे रहे थे, किसी राजनीति के तहत आपको डाउन किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं शनि आप यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में होने से आप वो पोजीशन आपको मिलेगी। साथ ही साथ पद प्रमोशन भी आपको मिलेगा और आपका कद्र, आपका रुतबा, आपका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में अब बढ़ने वाला है। यानी ये जो मूल त्रिकोण में शनि देव बैठे हैं वो करने वाले हैं। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि देखी जाए तो कहीं ना कहीं व्यय भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं आपका या तो प्रोजेक्ट परिवर्तन होगा या स्थान परिवर्तन होगा, या 4 नवंबर के बाद आपको ऐसा ऑफर आएगा कि आप नौकरी चेंज करेंगे, नया नाम, नया पद, नई जगह आपको बहुत सूट करने वाली, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी शनि आपका स्थान परिवर्तन कराने वाला है। साथ ही साथ शनि की सातवीं दृष्टि देखा जाए तो आपके परिवार भाव पे, यानी कि जमीन से संबंधित कोई मैटर या पारिवारिक जो समस्या थी, पारिवारिक जो उलझन थे, वो अब आपके शनि शनि सॉल्व हो जाने वाले हैं। उसका कुछ ना कुछ समस्या का हल निकलने वाला है, यानी पारिवारिक समस्या का भी आप निदान होने वाला है।
साथ ही साथ देखा जाए तो शनि की दसवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है वृषभ राशि के लिए, यानी प्रेम विवाह में जो रुकावट थी वो अब आपकी समाप्त होने वाली है। धीमे धीमे अब आपको प्रेम या विवाह के आपके योग बनने वाले हैं, या प्रेम या विवाह में आ रही रुकावटें अब आपकी समाप्त होगी, रिलेशन में पॉजिटिव शुरुआत होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये दाम्पत्य प्रेम के लिए भी वृषभ राशि के लिए वंडरफुल रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जाए तो 4 नवंबर से जैसे ही कर्म के स्वामी शनि मार्गी हो जाएंगे तब से आएगा, क्योंकि आपकी गुरु चंडाल योग एक तो आपका खत्म हो रहा है, साथ ही साथ शनि जैसे ही मार्गी यानी जागृत होंगे तो वृषभ राशि का जीवन ही बदलने वाला है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और ज़्यादा डिटेल में मित्रों आप जानना चाहते हैं, और बहुत से वृषभ राशि वाले साल 2024 में कैसा रहेगा उनका साल 2024, क्या भविष्यवाणियां है उसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आपकी बन चुकी है, साल 2024 की अपलोड हो सकती है, हो चुकी है, आप उसको ज़रूर देख लें। और कुछ लोग ये तो जो मैंने बताया ये जनरल प्रेडिक्शन है, अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं और भी ज़्यादा अपने बारे में जानना चाहते हैं तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप करेंगे और अपनी डिटेल भेजेंगे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके, और भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि जीवन में अब 4 नवंबर से क्या बड़ी बड़ी परिवर्तन होंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है, शनि मंदगामी प्लैनेट है तो धीमे धीमे में और बड़ा असर आपके जीवन में आएगा, एकदम से भूचाल नहीं आएगा, एकदम से परिवर्तन नहीं आएगा, धीमे धीमे करके एक महीना दो महीना तीन महीने के अंदर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने के योग बनते हैं। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी।